सो हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है पीपीआई ट्यूटोरियल के यूट्यूब चैनल पे। मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में बहुत ही आपका खास होने वाला है। जो भी बच्चे हमारे फ्री पेड कोर्स से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमें फ्री लिखकर मैसेज कीजिए, फिर आपको सारी डिटेल्स व्हाट्सएप पर दे दी जाएंगी और ये आपका एग्जामिनेशन तक के लिए वैलिड है, फ्री ऑफ कॉस्ट सभी के लिए। जो भी स्टूडेंट इच्छुक है अपनी तैयारी को और बेहतरीन करना चाहते हैं हमारे फ्री पेड कोर्स से, तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। सिर्फ व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको कॉल नहीं करना है। तो क्लासेस के बारे में आपको टाइम स्केड्यूल और कौन सा सब्जेक्ट किस दिन होगा उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम चैनल का नेम है पीपीआई ट्यूटोरियल, स्क्रीन पे भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उसको भी क्लिक करके आप जा सकते हो। जस्ट आपको पीपीआई ट्यूटोरियल सर्च करना होगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा आपको क्लास का पीडीएफ, टाइम स्केड्यूल और सही टाइम पे आने पर आपका टेस्ट भी कंडक्ट कराया जाएगा। आज की क्लास में हम लोग वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे फॉर पैरामेडिकल एंड पैरामेडिकल मैट्रिक बिहार के लिए और अच्छे से हम लोग पूरा डिटेल में करेंगे विथ एक्स्ट्रा डिटेल। अलग से एक और जानकारी, जो भी बच्चे थ्योरी क्लासेस करना चाहते हैं यानी बेसिक से सारे सब्जेक्ट्स को हाई तक पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे पेड कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर आपको सारे शिक्षक देख सकते हो पैरामेडिकल क्वालिफाइड है, तो सारे एक्सपीरियंस टीचर जो भी आपके पैरामेडिकल क्वालिफाइड कर चुके उनके द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। कोर्स का फी आप देख सकते हो अभी बहुत ही कम है, ये जल्दी इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं क्लास के बाद तो आप व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको फर्दर सारा डिटेल्स दे दिया जाएगा। तो चलिए समय न गाते आज की क्लास को शुरू करते हैं। डियर लवली स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीआई ट्यूटोरियल के पेड कोर्स क्लासेज में। मैं साक्षी आज आप लोग को हिंदी पढ़ाऊंगी, तो चलिए अपने इस हिंदी के क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग हिंदी में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन सीरीज कर रहे थे जिसमें अभी तक 2006 से लेकर 2016 तक का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन कर लिए थे हम लोग, और आज हम लोग 2017 के क्वेश्चन को करेंगे। 2017 में आपसे पहला प्रश्न पूछ रहा है कि यह पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है कांता, बी में दिया है भारिया, सी में दिया है सहधर्मिनी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कौमोदी, ठीक है। तो आप देखेंगे तो कांता, भारिया, सहधर्मिनी ये तीनों जो है ना पत्नी का पर्यायवाची है, लेकिन ये कौमोदी जो है ये पत्नी का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है, ये पत्नी का पर्यायवाची नहीं है। चलिए अब हम लोग कुछ कौमुदी के पर्यायवाची सब देख लेते हैं। ये पत्नी का पर्यायवाची नहीं है तो किसका पर्यायवाची है, तो इसका हो जाएगा चांदनी, चांदनी, चंद्रिका, चंद्रिका, उजियारी, उजियारी और चंद्र प्रभा, ठीक है, चंद्र प्रभा, ये सभी आपके कौमुदी के पर्यायवाची शब्द हो गए, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपसे अगला प्रश्न विलोम शब्द से पूछ रहा, आपको बताना है नूतन का विलोम शब्द क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है पुरातन, बी में दिया है जटिल, सी में दिया है भूत और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पतन, ठीक है। तो नूतन का विलोम क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए पुरातन। नूतन मीन्स नया, पुरातन मीन्स पुराना, तो नूतन का विलोम क्या हो गया, पुरातन, ठीक है। चलिए अब हम लोग जटिल के भी पर्यायवाची शब्द, सॉरी विलोम शब्द देख लेते हैं। तो जटिल मीन्स क्या होता, कठिन, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, आसान अर्थात सरल। जटिल का विलोम शब्द क्या हो गया, सरल। भूत मीन्स क्या होता है, जो बीत गया, तो इसका क्या होगा विलोम शब्द, भविष्य, ठीक है। भूत का विलोम शब्द क्या होगा, भविष्य। भूत मीन्स बीत गया, भविष्य मीन्स आने वाला, ठीक है। पतन, पतन मीन्स क्या होता है, गिरना, तो इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा, उत्थान, ठीक है। पतन का विलोम शब्द क्या हो गया हमारा, उत्थान, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कर का अर्थ नहीं है, ठीक है। कर का अर्थ कौन सा नहीं है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है टैक्स, बी में दिया है हाथ, सी में दिया है किरण और ऑप्शन नंबर डी में दिया है वस्त्र, ठीक है। और आपको बताना है कि कौन सा जो है जिसका अर्थ कर नहीं होता। तो आप देखेंगे तो हम लोग टैक्स को भी कर कहते हैं, जैसे सरकार कर लेती है या टैक्स लेती है। हाथ को भी हम लोग कर बोलते हैं और वस्त्र का भी एक पर्यायवाची कर है, लेकिन ये किरण का पर्यायवाची शब्द कर नहीं है। किरण का अर्थ कर
नहीं होता है तो किरण का क्या हो जाएगा, प्रकाश या फिर उजाला, ठीक है। ये आपका किरण का अर्थ हो गया प्रकाश, लेकिन ये कर का अर्थ किरण नहीं है। कर का अर्थ कौन सा है, टैक्स है, हाथ है, वस्त्र है, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपसे अगला प्रश्न पूछ रहा है, यह एक वचन शब्द है, ठीक है। आपको बताना है कि कौन सा जो है एक वचन शब्द है, ठीक है। ए में दिया है कुटिया, बी में दिया है वस्तुएं, सी में दिया है गाथा और ऑप्शन नंबर डी में दिया है सखिया। आप देखेंगे ये वस्तु जो है वस्तुएं, वस्तु जो है एक वचन है, वस्तुएं इसका बहुवचन है। गाथाएं भी एक वचन नहीं है, सखिया भी एक वचन नहीं है, ये दोनों भी बहुवचन है, लेकिन ये कुटिया एक वचन है, ठीक है। तो कुटिया का बहुवचन क्या हो जाएगा, कुटिया, कुटी या ये चंद्र बिंदु पर जाएगा तो ये बहुवचन हो गया और ये कुटिया क्या है, एक वचन, ठीक है। चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न आपको मुहावरा से है, आपसे पूछ रहा है पेट काटना का अर्थ है, ठीक है। पेट काटना का अर्थ है, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है भूखे रहना, बी में दिया है कर्म कम खर्च करना, सी में दिया है धोखा देना और ऑप्शन नंबर डी में दिया है लूट लेना, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कम खर्च करना। हम लोग कहते हैं ना, अपना पेट काट कर वो अपने छोटे भाई को पढ़ा रहा है, ठीक है। तो मतलब वो क्या कर रहा है, कम खर्च कर रहा है और अपना खर्च बचा बचा के अपने भाई को पढ़ा रहा है, ठीक है। कहते हैं ना, पेट काट कर हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो क्या करते हैं, हम कम खर्च करके अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो पेट काटना का अर्थ क्या होता है, कम खर्च करना, अपने खर्च में भी बहुत एकदम थोड़ा थोड़ा करके बचाना, उसी को कहते हैं पेट काटना। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न फिर आपका मुहावरा से पूछ रहा है, और ये बहुत ज़्यादा प्रचलित मुहावरा, अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ है। आप लोग सुने मुहावरा, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी खगड़िया चुप्पे जाए। ये स्टूडेंट सब पे ये मुहावरा टीचर लोग बोलते हैं, अधजल गगरी छलकत जाए, भरी खगड़िया चुप्पे जाए। मतलब जिसको स्टूडेंट को कुछ नहीं आता वो बटर 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 बोलेंगे, और जिनको बहुत आता है वो स्टूडेंट मुँह बंद करके रहेंगे। नहीं, ये स्टूडेंट सबको टीचर लोग ताना देते हैं, आप लोग को भी 9-10 में बोलते होंगे सर ऐसा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है सामर्थ्य से अधिक खर्च करना, बी में दिया है जल का दुरुपयोग करना, सी में दिया है ओछे आदमी का दिखावा करना और ऑप्शन नंबर डी में दिया है लापरवाह होना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आपको ऑप्शन नंबर सी, ओछे आदमी का दिखावा करना। ये अजल ककड़ी छल कर जाए मतलब आता कुछ नहीं है लेकिन दिखावा बहुत करता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में आपसे पूछ रहा है, अशुद्ध लिखा शब्द है, ठीक है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है अशुद्ध लिखा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है अभिमान, बी में दिया है हानि, सी में दिया है हस्ताक्षेप और ऑप्शन नंबर डी में दिया है लगान, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो अभिमान भी सही है, हानि भी सही है और लगान भी सही है। यह हस्तक्षेप जो है ना अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध क्या हो जाएगा, हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, ठीक है। यह आपका शुद्ध शब्द है लेकिन यह हस्तक्षेप क्या था, अशुद्ध था, ठीक है। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि कौन सा शुद्ध शब्द है, ठीक है। उसमें आपसे अशुद्ध पूछा, इसमें आपसे पूछ रहा है शुद्ध, शुद्ध लिखा शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है आजीविका, बी में दिया है शांति, सी में दिया है नाराज और ऑप्शन नंबर डी में दिया है दैनिक। तो शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है, आजीविका आपका शुद्ध शब्द है, बाकी ये शांति, नाराज और दैनिक गलत। तो चलिए इन सबको भी देख लेते हैं कि शुद्ध किस तरह लिखा जाएगा। शांति हम लोग कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, शांति हम लोग ऐसे लिखते हैं ना कि ऐसे, ठीक है। नाराज तो नाराज नहीं होता, नाराज होता है ना, नाराज, मैं तुमसे नाराज हूँ, ठीक है। ये दैनिक, दैनिक इस तरह से शुद्ध होता है, दैनिक जागरण पेपर सभी पढ़ते होंगे। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, यह क्रिया शब्द विशेषण से बना है, ठीक है। यह क्रिया शब्द विशेषण से बना है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है नैतिक, बी में दिया है उपयोगी,
सी में दिया है कथित और ऑप्शन नंबर डी में दिया है मासिक। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी कथित। ठीक है, ये कथित जो है विशेषण से बना हुआ है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे कारक से पूछ रहा, आपको बताना है पेड़ से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया आपादान, बी में दिया है कर्ता, सी में दिया है कर्म और ऑप्शन नंबर डी में दिया है संबंध। तो आपादान कारक का क्या होता है, कारक विभक्ति चिन्ह से अलगाव के लिए ना, अलगाव के लिए। और यहाँ वृक्ष से पत्ता क्या हो रहा है, अलग हो रहा है, गिर रहा है। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आपादान। ठीक है, ये पेड़ से पत्ता गिरता है मैं कौन सा कारक है, आपादान कारक। ठीक है, चलिए अब हम लोग कर्ता कारक भी देख लेते हैं। तो कर्ता कारक क्या होता है, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने होता है। ठीक है, राम ने यह कहा, राम ने यह पुस्तक पढ़ा, तो राम जो है ये कर्ता कारक है और इसका विभक्ति चिन्ह ने है। ठीक है, कर्म क्या होता है, को, राम ने सोहन को मारा, को, यहाँ को क्या है आपका कर्म कारक। और संबंध, संबंध कारक आपका संबंध बताता है, जैसे यह राम की पुस्तक है, राम की पुस्तक है, तो पुस्तक का संबंध किससे बता रहा है, राम से, तो ये कौन सा कारक हो गया, संबंध कारक। चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दोहे लिखता था। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन दोहे लिखते थे। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बिहारी, बी में दिया है मैथिली शरण गुप्त, सी में दिया है जयशंकर प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी में दिया है निराला जी। ठीक है, आप सभी को पता है कि बिहारी जी दोहे लिखते थे। ठीक है, और इनकी एक ही रचना है सतसई या फिर बिहारी सतसई, जिसमें इनकी लिखी 719 दोहा का संग्रह है। ठीक है, दोहे कौन लिखते थे, बिहारी जी। आपको पता है मैथिली शरण गुप्त जी, निराला जी और जयशंकर प्रसाद जी बहुत अच्छे कवि हैं और ये सब कविताएं लिखते हैं और कहानियां लिखते हैं। ठीक है, लेकिन ये बिहारी जी जो है ये क्या लिखते हैं, दोहे लिखते हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सूफी कवि माना जाता है। आपको बताना है कि कौन से इनमें से जो है सूफी कवि माने जाते हैं। तो ए में है नानक जी, बी में दिए हैं कबीरदास, सी में दिए हैं जायसी और ऑप्शन नंबर डी में दिया है पंत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी जायसी। जायसी जी जो है ना ये सूफी कवि थे। कौन से कवि थे, सूफी कवि। ठीक है, नानक जी, नानक जी अपनी गाना लिखते थे, मतलब कविताएं लिखते थे नानक जी। कबीरदास जी दोहे लिखते थे, पंत जी तो कविताएं लिखते हैं। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कुरुक्षेत्र इनकी कृति है। ठीक है, कुरुक्षेत्र इनकी कृति है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है बच्चन, बी में दिया है दिनकर, सी में दिया है नेपाली, ऑप्शन नंबर डी में दिया है नागार्जुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी दिनकर। इससे पहले भी हम प्रीवियस ईयर्स में आपको बताए हैं कि दिनकर जी ने ही कुरुक्षेत्र लिखा था। चलिए अब हम लोग बात करें बच्चन जी की, तो इनकी कुछ रचनाएं देख लेते हैं। इनकी रचनाएं हैं मधुशाला, मधुकलश, मधुबाला और प्रणय पत्रिका। मधुबाला और विनय प्रणय पत्रिका, सॉरी प्रणय पत्रिका। ठीक है, ये आपके बच्चन जी की रचना है। बच्चन जी को तो सभी जानते हैं, ये अमिताभ बच्चन जी के पिता थे, हरिवंश राय बच्चन जी जो लिखते थे, कवि थे। चलिए अब हम लोग कुछ नेपाली जी की रचनाएं देख लेते। तो नेपाली जी का पूरा नाम था गोपाल सिंह नेपाली। ठीक है, गोपाल सिंह नेपाली, नाम है नेपाली लेकिन है ये बिहारी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, बेतिया में। ठीक है, हमारे बिहार के बेतिया में ही। चलिए इनकी भी कुछ रचनाएं देख लेते। तो उमंग, पंछी, रागिनी, रागिनी, नीलिमा, नीलिमा।
ठीक है, ये सभी जो है आपके गोपाल सिंह नेपाली जी की रचना है। चलिए अब हम लोग कुछ नागार्जुन जी की भी रचनाएं देख लेते हैं। तो नागार्जुन जी की एक बहुत अच्छी रचना है जो आपके एग्जाम में पूछी जाती है, वह बाबा बटेश्वर नाथ। बाबा बटेश्वर नाथ, ठीक है, बाबा बटेश्वर नाथ किसने लिखी है? तो नागार्जुन जी ने रतिनाथ की चाची, रतिनाथ की चाची, ये भी नागार्जुन जी ने ही लिखा था। ठीक है, चलिए अब हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है? ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन ए में दिया है पार्थ, बी में दिया है दैत्य, सी में दिया है राधे, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है कुरु। तो आप देखेंगे कि ये पार्थ और राधे दोनों जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पार्थ किसको बोलते थे? तो अर्जुन को, ठीक है, और राधे किसको बोलते थे? कर्ण को। तो ये अर्जुन भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है और राधे कर्ण भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और सी। कभी कभी आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है जिसमें दो दो आंसर सही हो जाते हैं, तो इसमें सभी बच्चों को फायदा हो जाता है, जो गलत बनाते हैं उनको भी, जो सही बनाते हैं उनको भी। या तो मार्क्स मिलता है तो सभी को मिलता है, नहीं तो कटता है तो सभी को कटता है। ठीक है, चलिए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि प्रतिदिन में किस समास का उदाहरण, ठीक है, आपको बताना है प्रतिदिन किस समास का उदाहरण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है अव्ययी भाव समास, बी में दिया है तत्पुरुष समास, सी में दिया है बहुव्रीही समास, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है द्वंद्व समास। ठीक है, और आपको बताना है कि ये प्रतिदिन कौन सा समास है। ठीक है, तो ये प्रतिदिन कौन सा समास है? आपको ए, ऑप्शन नंबर ए, अव्ययी भाव समास, क्योंकि प्रति क्या है? उपसर्ग है। ठीक है, उपसर्ग है। ठीक है, ये प्रति क्या है आपका? उपसर्ग है। हम लोग अव्यय भाव समास में पढ़े हैं कि यदि शब्द में उपसर्ग लगा हो तो वो कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, तत्पुरुष समास, बहुव्रीही समास और द्वंद्व समास बहुत बार आ चुका है ये, तो आप जब आपको हम थ्योरी का पोर्शन कराएंगे तभी बताएंगे, कितना बताया आपका क्लास लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। हम लोगों ने 2017 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सबको डिटेल में देखा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए और आपके डाउट्स पूछते रहिए। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।